शिवराज कैबिनेट के विस्तार के बाद राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरे फॉर्म में नजर आए हैं। राजभवन से बाहर निकलने के बाद उन्होंने मीडिया से बात की, उसके बाद कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया है। अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर कांग्रेस को तीखा जवाब दिया है। बीजेपी में शामिल होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पहली बार मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं पर नाम लेकर वार किया है। बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद उन्होंने कभी भी दिग्विजय सिंह और कमलनाथ का नाम लेकर वार नहीं किया। मंत्रियों की शपथ के बाद उन्होंने जमकर कांग्रेस की खैर खबर ली है। कांग्रेस की सरकार गिराने में ज्योतिरादित्य सिंधिया की भूमिका अहम रही है। ऐसे में कांग्रेस नेता सिंधिया के लिए गद्दार जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। सिंधिया ने कहा कि मैं 3 महीने तक शांत रहा हूं, लेकिन कांग्रेस के लोग मेरी छवि धूमिल करते रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर कहा कि मुझे कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। देश की जनता के सामने तथ्य है कि इन लोगों ने किस तरह से प्रदेश का भंडार लूटा है। वादा खिलाफी का लोगों ने इतिहास देखा है। समय आएगा तो मैं जवाब दूंगा। इन दोनों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि टाइगर अभी जिंदा है। सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस ने कोरोना महामारी के दौरान कुछ नहीं किया है। कोरोना के दौरान मैंने एक एक खाने के पैकेट का वितरण किया है। मैंने मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में राशि दी है। बाहर फंसे मध्य प्रदेश के लोगों को मैं लाया हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूछा कि कोरोना महामारी के दौरान कांग्रेस क्या कर रही थी। एक व्यक्ति की भी इन लोगों ने मदद नहीं की है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कोरोना काल में कांग्रेस सिर्फ राजनीति कर रही है। कांग्रेस इस दौर में अपनी महामारी का सामना कर रही है। इन लोगों ने मध्य प्रदेश में कुछ भी नहीं किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र की तरफ से मध्य प्रदेश के लिए कभी कोई दिक्कत नहीं है। SPN9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।